फ्राई करूँगी ये चिकन, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ऑयस्टर सॉस, गार्लिक सॉस, थोड़ा सा इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और वाइट पेपर डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, और एक एग भी डाला था मैंने। तो अभी इसको मैं फ्राई करूँगी, इसको मैंने डीप फ्राई नहीं करा, इसको मैंने शैलो फ्राई करूँगी इसको। ये थाई बोनलेस चिकन है, ये थाई बोनलेस चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। मैं एक ही बार डाल दूंगी, इसके बाद इसको मैं इसकी साइज चेंज करती रहूंगी और ये पक्का रहेगा इंशाल्लाह। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये थाई चिकन थाई मीट है, तो इसलिए ये इतना टाइम नहीं लगाता गलने में। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, तो अभी इंशाल्लाह 4 to 5 मिनट लगेंगे इसको कम्प्लीटली रेडी होने में। तो इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, जैसे इसकी साइड चेंज होती है एक बार फिर साइड चेंज करूँगी इसकी, तो इससे यल्ड से बढ़ते ही इंशाल्लाह ये बन जाएगा।
काटे हुए ग्रीन चिली, धनिया और ऊपर से मैंने गर्म मसाला और मेथी डाल दी। ये माशाल्लाह बन गया कीमा, तो चिकन भी मेरा इंशाल्लाह हो गया है। तो अभी हम लोग इसके बाद में बनाऊँगी नान और तंदूरी रोटी। तो फिर मिलते हैं, अभी बनाते हैं सॉरी नान और तंदूरी रोटी, फिर करेंगे हम लोग लंच। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मज़े से बैठ के लंच कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बना रही हूँ नान। मैंने जी इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक तंदूर रखी, तो उसके बनाऊंगी रेडी नान। ऐसे ही इनके पत्ते उसको डालेंगे तंदूर के अंदर। दो से तीन मिनट में मसाला ये दोनों कड़ी हो जाए।
दोनों साइड से आगे इसके फूल रेडी देखने को मिल रहा होगी बटर बाहर आ गए ना।